अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। यार आज की वीडियो का सीन ये है कि आज मैं बर्ड्स को वैक्सीनेशन दे रहा था, आज मैंने बर्ड्स को वैक्सीन करनी है, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। तो यार जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया हुआ है कि वैक्सीन देने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखी जाती है कि हम किस इलाके में हैं, हम जिस इलाके में हैं वहाँ हमें कौन कौन से डिजीज चैलेंजेस का सामना है, वहाँ का जो बर्ड है, जो बर्ड्स हैं वहाँ पे, जो फार्मिंग वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे कौन कौन सी डिजीज़ से दो चार है बर्ड, तो उन डिजीज़ को देख के हम वैक्सीन का एक प्लान स्केड्यूल करते हैं। तो मैं बेसिकली यार पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान पंजाब में मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो यार हमारे पाकिस्तान का इन्वायरमेंट और इंडिया का इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, यानी जिन डिजीज़ का चैलेंज हमें है उन्हीं डिजीज़ का चैलेंज इंडियन इन्वायरमेंट में भी है। यानी हम दोनों मुल्कों का एनवायरनमेंट सेम है तो हम दोनों मुल्कों की डिजीजेस भी सेम है। तो यार ऐसी दो पोल्ट्री की डिजीजेस बहुत कॉमन है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया के एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा है। नंबर वन एनडी न्यूकासल डिजीज, नंबर टू आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज। ये दो ऐसी डिजीजेज हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की एनवायरनमेंट में कॉमनली पाई जाती है। तो यार इन दोनों डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन मंथली बेसिस पे की जाती है। अब इन दोनों वैक्सीन्स को हर मंथ के बाद भी किया जाता है या हर डेढ़ महीने से दो महीने के बाद भी, डिपेंड करता है बर्ड की हेल्थ कैसी है, आसपास डिजीज चैलेंज कितना है। तो इन चीज़ों को देख के हर मंथ के बाद इन दो वैक्सीन्स को रिपीट किया जाता है, आईबी और एनडी। यार वैक्सीन का सीन ये है कि ये दोनों वैक्सीन जो है ये कंबाइंड प्लान में भी आती हैं, यानी एक ही वायल होती है वैक्सीन की, उस वायल में इन दोनों वैक्सीन्स के एंटीजन्स होते हैं या अलग-अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं इन दोनों वैक्सीन्स के। मैं सजेस्ट करूंगा कि अलग-अलग प्लान्स ही वैक्सीन के किए जाएं, कभी भी कंबाइंड वैक्सीन का प्लान ना किया जाए। उससे ये होता है कि अगर कंबाइंड वैक्सीनेशन का प्लान आप करते हो तो बर्ड के अंदर किसी भी एक डिजीज़ के खिलाफ तो इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाती है, मगर दूसरी जो डिजीज़ होती है उसके खिलाफ बर्ड इम्यून नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रेफर करना चाहिए कि हम सिंगल वैक्सीन को ही करें, कंबाइंड प्लान ना करें। तो जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, बाहर 5-7 डिग्रीज रहता है नॉर्मली, तो इस टाइम में जब बर्ड्स को ठंड लगने के खदशे होते हैं तभी ये दोनों डिजीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर होता है कि हर मंथ के बाद ये दोनों वैक्सीन कर देनी चाहिए। तो यार ये जो एनडी और आईबी दोनों डिजीज़ हैं इनके खिलाफ जो वैक्सीन हम करते हैं वो लाइव वैक्सीन होती है। अब लाइव वैक्सीन का सीन जो होता है, इसको बर्ड को देने के तीन तरीके हैं। या तो हम बर्ड के मुंह में ड्रॉप्स डाल दें वैक्सीन के, या तो हम बर्ड की आंखों में ड्रॉप्स डाल दें वैक्सीन के, या जो बर्ड पानी पी रहा है उस पानी में इस वैक्सीन को मिक्स कर दें ताकि बर्ड वो पानी पिए तो बर्ड के अंदर वैक्सीन भी चली जाए। तो इन तीनों में से जो फिजिबल तरीका है वो नंबर थ्री है, यानी कि बर्ड जो पानी पी रहे उसी पानी में हम उस वैक्सीन को मिक्स कर दें ताकि बर्ड अगर पानी जब पी रहे तो वैक्सीन भी बर्ड के अंदर चली जाए। अब बर्ड क्योंकि केजेस में बंद होता है तो जहाँ पे एक एक बर्ड को पकड़ के उसके मुंह में कचरा या आँख में कचरा डालना पॉसिबल होता नहीं है, और अगर है भी तो बहुत टफ काम होता है, बर्ड स्किप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्रेफर यही करते हैं इस स्टेज पे आके कि बर्ड को ड्रिंकिंग वाटर में ही मिक्स करके दें, बर्ड खुद वो पानी पी लें। तो ये जो वैक्सीन है लाइव वैक्सीन, ये छोटी छोटी वायल्स में आती है। ये छोटी वायल्स ऊपर से इन पे रबड़ की कैप लगा होता है, उसके ऊपर स्टील की सील लगी होती है, ये श्योर करने के लिए कि वैक्सीन के अंदर जो जर्म्स हैं, जो एंटीजेंस हैं, उनका किसी किस्म का कॉन्टैक्ट एयर के साथ ना हो। फुल सील पैक्ड वायल्स होती है ये। इन वायल्स को खोल के पहले इसके ऊपर से सील उतार देते हैं, उसके बाद एक बाल्टी लेते हैं जिसमें हम पानी को डालते हैं, सादे पानी को डालते हैं। अब वैक्सीन डालने से पहले हमने वो पानी को न्यूट्रलाइज करना होता है, यानी एक सिंथेटिक प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान में वाइटल ब्लू के नाम से आम मिलता है, अब डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीज़ होगी, मगर ये न्यूट्रलाइजर होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये वैक्सीन का नेगेटिव अफेक्ट बर्ड्स में डिवेलप नहीं होने देता, ये वैक्सीन को स्टेबल कर देता है। नंबर टू, इसमें डाई होती है ब्लू कलर की या किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन इस पैकेट में ब्लू कलर की डाई है। इस डाई का पर्पस ये है, जो भी बर्ड ये पानी पिएगा उसकी बीक पे या टंग पे ये डाई लग जाएगी ब्लू कलर की, जिससे हमें इंश्योर हो जाएगा कि इस बर्ड ने वैक्सीन पी ली है। तो पहले बाल्टी में जो पानी है उसके अंदर जो
न्यूट्रलाइजर है उसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करते हैं, पहले पानी को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं वो पाउडर डाल के, और इसके बाद जो वैक्सीन की वायल्स हैं उसको इसी बाल्टी के अंदर डाल देते हैं। अब वैक्सीन को इस तरह घोलना है कि इसका जो कॉन्टेक्ट है वो किसी भी तरह एयर के साथ ना हो, यानी पानी के अंदर दोनों हाथ लेके जाके वाइल्स को भी पानी के अंदर डुबो के वहीं पे वाइल्स को खोल के अच्छी तरह पानी में मिक्स कर देना है ताकि वो जो कॉन्टेक्ट है वाइल का एयर के साथ ना हो। इस तरह सारी वाइल्स को मिक्स कर देना, जैसा कि हमने उस बाल्टी के अंदर न्यूट्रलाइजर को भी मिक्स कर दिए, वैक्सीन को भी उसी पानी में मिक्स कर दिया, जितनी भी वैक्सीन की वाइल्स थी उस पानी के अंदर हाथ डुबो के वैक्सीन की वाइल्स को खोला है और उसको मिक्स कर दिया। तो अब ये जो बाल्टी में पानी है इसमें वैक्सीन भी है और इसमें न्यूट्रलाइजर भी है। अब इसको जो शेड की मेन जो टैंकी है जहाँ से पानी बर्ड्स को सप्लाई होता है उस टैंकी के अंदर इस बाल्टी के पानी को डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना। अब जो बर्ड पानी पिएगा वो वैक्सीन वाला होगा और इस तरह बर्ड्स को वैक्सीन होती है। तो यार ये था एक कॉमन सा तरीका कि लाइव वैक्सीन जो है वो शेड्स में कैसे करते हैं। बहुत सी डिजीज़ होती हैं बर्ड को, उन डिजीज से बचाने के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन करनी पड़ती है, हर वैक्सीन का एक सेपरेट प्लान होता है, सेपरेट प्रोसीजर होता है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम करते जाएंगे मैं करता जाऊंगा, आप लोगों से शेयर भी करता जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ ना कुछ प्रोसेस समझ भी आया होगा। तो ये था आज का कॉन्टेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।